रेडी। हाय एवरीबॉडी, मैंने आज तक, आप मेरी उम्र तो देख ही रहे हो, कई सारे कोर्सेज कर लिए, सोयो लाइक नंबर ऑफ टाइम्स जब भी मैं किसी कोर्स में जाता हूँ तो आराम से बैठ के, थोड़ी देर आराम से बैठता हूँ, फिर मैं अनइजी सा होने लगता हूँ, फिर मेरा ध्यान आता है चाय वाला कब आएगा, फिर रोटी कब आएगी। दिस इज द ओनली कोर्स लाइक दिस साउंड हीलिंग इज सच ए थिंग। मुझे शाम को 7 बजे तक नहीं पता था कि भाई मुझे चाय पीनी है या रोटी खानी है, किसी ने बुला दिया तो तब भी मैं 5 मिनट के बाद जाता था। यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि मेरे जैसा आदमी इस कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्सेज तो दुनिया कराती है लेकिन मर्ज करके नहीं कराते लोग। लाइक पढ़ाया, कई सारे साउंड हीलिंग भी मैंने कई लोगों के साथ डिस्कस करी, कई सालों से काम कर रहा हूँ, बातें भी करी, लेकिन हर चीज का प्रैक्टिकल होना इंपॉर्टेंट है। आपको कर दो फिर घर जाके आप ध्यान आता है, ओ वहां तो सब समझ आ जाती है 3 दिन में, बाबा मास्टर हो जाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली हाथ से बजाना पड़ता तो पता लगा बज गया खुद ही, समझ ही नहीं आया कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सी लाइक हियर ईच एंड एवरी आस्पेक्ट इज, और सारी फैमिली देख रही है, हस्बैंड भी है, बच्चा भी है, और सब इंटरेस्टेड है, पूरा घुसे हुए हर आदमी के अंदर। ये नहीं कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हर एक को पूरी तरह से, एक एक बंदे को पूरी तरह से सिखा के, जैसे उन्होंने सोच रखा है कि यहाँ से ट्रेंड करके भेजना है। आधे से ज्यादा लोग तो यही करते हैं कि चलो चलो निकलो यार, हो गया काम, बस हो गया, अगली क्लास की बात करो। नो, यू वांट टू टीच ईच एंड एवरीथिंग एंड देन वी आर ऑन द व्हाट्सएप, फिर आगे की बात भी जो है, जो प्रॉब्लम है सब कुछ होगा। एंड इट्स अ वंडरफुल, मतलब एक बार लेटो, ऐसी वर्कशॉप देखिए, कहीं सोने को भी मिले, काम भी करने को मिले। सी एक्सपीरियंस इज सुपर, आप रिलैक्स करते हो तो ऐसा रिलैक्स करते हो कि पता लगता है शाम तक उठे ही ना। हर थेरेपी के बाद 4 घंटे का रिलैक्सेशन चाहिए होता है, लेकिन इतनी वंडरफुल तरीके से उन्होंने काम किया कि वी रियली एंजॉयड ईच एंड एवरी मोमेंट। थैंक यू वेरी मच।